मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा उस काम में लगा वो ये कहते हैं कि दिन की शुरुआत पानी से करिए और रात्रि का अंत दूध से करिए। माने रात में अब कुछ खाना नहीं है, आखिरी चीज जो आप खा रहे हैं तो वो दूध ही होनी चाहिए और सुबह जो सबसे पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना चाहिए। तो रात को सोते समय दूध, सुबह उठते समय पानी, ये है नियम चौथा। और वो ये कहते हैं आगे दूध पीने के साथ वो ये कहते हैं कि दूध अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि उसमें कभी भी मीठी चीज मिलाकर पीने की जरूरत नहीं। माने शक्कर मत मिलाइए, गुड़ मत मिलाइए, खांड मत मिलाइए, बुरा मत मिलाइए, कुछ मत मिलाइए, दूध जैसा है वैसा ही पीते जाइए। लेकिन उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि दूध पीना है तो गाय का ही, गौ शब्द का इस्तेमाल किया, भैंस के दूध के लिए नहीं कहा। और यह हमें दिखाई दे रहा है जब से इस देश में भैंस का दूध पीना शुरू किया है लोग भैंस जैसे ही हो रहे हैं। आप देखो भैंस कैसी है, सड़क में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस हटती वहीं खड़ी रहे, अकल नहीं, हटे कैसे। भैंस कीचड़ में घुस जाएगी और घुस गई तो बाहर नहीं आएगी, मारोगे डंडा फिर भी नहीं आएगी। और भैंस का बच्चा जो भैंस का दूध पीता है आप जानते हैं जन्म लेकर ही गिर जाता है, खड़ा नहीं रह सकता और चार पांच दिन तो हिलता भी नहीं, इतना आलसी है कि पड़ा रहता, उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता। और गाय का बच्चा देख लो, गाय का दूध पीता है, जन्म लेने के आधे घंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है और अगले आधे घंटे में तो जंपिंग शुरू कर देता, कूदना शुरू कर देता और दो घंटे के बाद तो आप पकड़ नहीं सकते, इतना दौड़ जाता है। क्यों? गाय का दूध पीता है। तो गाय के दूध में चुस्ती फुर्ती है, भैंस के दूध में आलस्य है। और भैंस का दूध हमने किया है, हमारे पुरखों ने किसी ने नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कभी भैंस का दूध नहीं किया, राम जी ने भी कभी भैंस का दूध नहीं किया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कृष्ण भगवान तो 7 लाख गाय पालते थे, एक भैंस तो रख ही सकते थे। जो व्यक्ति 7 लाख गाय का पालन कर सकता वो एक भैंस को पाल ही सकता था, एक भी भैंस नहीं रखती, क्योंकि वो जानते थे भैंस कैसे। राम जी ने भी कभी भैंस नहीं रखते, दत्त भगवान के पास कभी भैंस नहीं थी, शंकर भगवान ने कभी भैंस नहीं पाली, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। हाँ, तो जाना है अगर यमराज के पास तो खूब भैंस का दूध पियो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपकी। और यह बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं, सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये मानते हैं और रिसर्च भी हो गई है कि भैंस का दूध पियो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा और ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो हृदय घात लाता है और हृदय घात आएगा तो यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। तो भैंस का दूध पीने के लिए नहीं बोला, बाघवत ऋषि ने कहा है गाय का दूध पीना, तो दूध जब भी पीना है तो गाय का ही। कई लोग मुझे ऐसे मिले, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा राजीव भाई हम सुबह पानी पीते हैं, रात को दूध पीते हैं, फिर भी हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा। तो मैं पूछ लेता हूं दूध किसका पीते, तो कहते भैंस का पीते, तो उनका होगा नहीं, बाघवत तो खुद बोलते नहीं होने वाला, दूध गाय का ही चाहिए। तो गाय का दूध पीजिए रात को सोते समय, जब भी आपका सोने का समय है। पर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते, तो जब भोजन का आखिरी चरण है तभी दूध पी लीजिए, उसके बाद कुछ पीने का नहीं है, सो जाने का।